टाइम्स की न्यूज़ देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मुमरा के एमएम वैली कब्रस्तान पे मिट्टी भरने को लेकर क्रेडिट की होड़। मैं फिरोज हाशमी, आप देख रहे प्रहार टाइम। मुमरा में नए कब्रिस्तान बनाए जाए जिसकी मांग पूरा शहर कर रहा था, जिस पर जमकर इसी मुमरा शहर में राजनीति कहें या एक दूसरे पर टिप्पणी कहें करते रहे हैं। नए कब्रिस्तान बनने में काफी टाइम लगा, लेकिन बनने के बाद फिर कई सवाल खड़े हो गए थे। कब्र खोदने के वक्त पत्थर का निकलना, पानी निकलना, मतलब कब्र के अंदर जो खोदे जा रहे थे उसमें से भी पानी निकल रहा था, जिसको लेकर तरह तरह के सवाल खड़े हो रहे थे। लोगों ने वीडियो भी बनाकर वायरल किए, भरनी की मांग करते रहे। कहीं ना कहीं अब भरनी की मांग पूरी होती दिखाई दे रही है। कल एक पत्रकार परिषद जीवन बाग में लिया गया मुमरा यूथ फाउंडेशन की तरफ से। उन्होंने दावा किया कि जो है हमारी फॉलोअप का नतीजा है, लेकिन उनसे सवाल पूछने पर, यानी उनसे सवाल ये पूछा गया कि कितनी निधि पास हुई है, तो उन्होंने नहीं जवाब दे पाए थे। उन्होंने जानकारी, यानी उनके पास जानकारी नहीं थी, लेकिन सैयद अली भाई साहब ने पत्रकारों से बताया 50 लाख की निधि कलवा मुमरा के आमदार व गृह निर्माण मंत्री जितेंद्र आवाट की है। उन्होंने कब्रस्तान की मिट्टी भरने के लिए दिया है। सुनिए सैयद अली भाई साहब ने क्या कुछ जानकारी दी है। भाई साहब, कब्रस्तान बनने से पहले इशू था, कब्रस्तान बन गया, फिर जो है भरनी को लेकर पानी निकल रहे, पत्थर निकल रहे, उसको लेकर इशू था, और अब जो है कब्रस्तान जब उसमें मट्टी डाली जा रही है उसके बाद भी लोग जो है अलग अलग तरीके से श्रेय ले रहे हैं, उस पर भी मतलब अभी तक कब्रस्तान का इशू ख़त्म नहीं हुआ, क्या कहेंगे आप? नहीं देखिए, ऐसा है कि कब्रस्तान का इशू ख़त्म हो चुका है, क्योंकि कब्रस्तान के अंदर हमारे मरहूमीन दफन हो चुके, तो मामला ख़त्म हो गया। अब उस पर पॉलिटिकल बात करना, उस पर उसका कुछ निकालना, ये सब अच्छी बातें नहीं है। रहा सवाल कि पिछले बारिश के अंदर कब्रस्तान में पानी भरा, तो इस चीज़ को देखते हुए हमारे मुमरा के जो है MIF ग्रुप जो है, जिसका मैं नाम लेना चाहूँगा, हमारे नासिर भाई, मम्मू भाई, फाजिल अशरफी साहब, अशरफ मुकरी साहब, फिरोज़ खान साहब, पन्नू भाई हमारे, ये लोग मेरे पास आए और क्या नाम है, उन्होंने एक मीटिंग लिया, उसके अंदर उन्होंने एक लेटर दिया कि इसके अंदर मिट्टी की भरनी होना चाहिए। मैंने बोला बिल्कुल जायज सवाल है, शहर के अंदर बड़ा अच्छा मतलब एक बात चली काफ़ी इस पर। तो फिर मैंने इसके बाद उनका लेटर लिया, उसके बाद मैंने आमदार साहब से बात किया, डॉक्टर जितेंद्र आवाट साहब से, कि साहब इसके अंदर अपने को कम से कम 6 फीट मिट्टी भर के कब्रस्तान को ऊंचा लेना पड़ेगा, क्योंकि MM वैली रोड जो है वो क्या नाम है अपना नीचे है, सॉरी ऊपर है, और कब्रस्तान नीचे चला गया है। पूरे मुमरा के लोग जो है ये सोच रहे हैं, ये कह रहे हैं, अलग अलग तरीके से दावा कर रहे हैं कि ये महानगर पालिका का फंड है, लेकिन इसमें कितनी सच्चाई है, किसका फंड लगा हुआ है जो अभी मिट्टी जो है भरनी की जा रही है, गुजराती मिट्टी, इसमें किसकी फंड और कितना फंड लगा है? ये सब झूठी बातें हैं कि किसने क्या लाया। 6 महीने से फॉलोअप ये टीम कर रही है, उसके फॉलोअप को मैं कर रहा हूँ, और मैं और जितेंद्र अवार्ड और मिस्टर गोस्वामी, ये तीनों कॉन्टेक्ट के अंदर थे। अवार्ड साहब की विशेष निधि से ये मिट्टी आई है। कितना निधि जो है ये इसके लिए 50 लाख रुपये आवंटित किया गया है, और मैं बता रहा हूँ कि अवार्ड साहब ने मुझे पर्सनली ये चीज़ को बोला है कि भाई साहब अगर देखेंगे अपने को और ज़रूरत पड़ेगी तो अपन और अच्छा करके लेंगे, लेकिन जितनी कोशिश हो सकेगी अपन ऊँचाई कर लेंगे ताकि आइंदा के लिए कोई तकलीफ ना पहुँचे। ये अवार्ड साहब का मैसेज है और ये मुझसे बात हो रही है, और इस पर विशेष निधि के पैसे से ही ये मिट्टी आई है। बाकी जितने लोग बता रहे हैं कि कोई कलेक्टर के यहाँ से लाया, कोई यहाँ से लाया, ये सब बातें, मेरा अपना मानना है, मैं कब्रस्तान पे राजनीति नहीं करता बिल्कुल। आप कह रहे हैं मुमरा यूथ फाउंडेशन जो है फॉलो कर रहा था पिछले 1 साल से, लेकिन पिछले 6 महीने से, 6 महीने से, 6 महीने से वो फॉलो कर रहे थे। हाँ। ये मिट्टी 3 महीने पहले ही आ गई होती। अच्छा। मेरी जो इन लोग से बात हुई थी, लेकिन यहाँ मुमरा शहर में कुछ लोग हैं जो उन्होंने, उनका कहना है कि हमने मुख्यमंत्री को लेटर दिया था, हमने कई मंत्रियों को लेटर देने के बाद, महानगर पालिका में देने के बाद, ये का जो है मिट्टी भरने का काम शुरू हो गया है। महाराष्ट्र राज्य के मुख्यमंत्री हमारे ही हैं। हाँ। तो उनकी तरफ से कुछ आएगा तो उनके पास कागज पत्र होगा ना,
तो अगर मुख्यमंत्री ने दिया तो वो भी मिल जाएगा कागज पत्र, कलेक्टर ने दिया तो भी मिल जाएगा, और महानगर पालिका ने दिया है तो हमारे नगर सेवक निकाल के दे देंगे। ये विशेष निधि डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब की निधि है जो यहाँ पे काम अभी चल रहा है। भाई साहब क्या कहेंगे, एक आखिरी सवाल क्या कहेंगे, जिस तरह से मुमरा यूथ फाउंडेशन ने 6 महीने से फॉलोअप कर रही थी मिट्टी डालने के लिए, ऐसे जो जिस तरह से वो लोग काम कर रहे थे उनके कामों को लेकर क्या कहेंगे आप? मैं उनको मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि वो सही इशू पे बगैर किसी को गाली दिए, बगैर किसी को क्रिटिसाइज किए उन्होंने फॉलोअप किया, और उस फॉलोअप का नतीजा क्या नाम है अपना इसका हुआ। आज इन्होंने मुझे हार पहनाया है, लेटर दिया है, कल ये डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब को भी मिलेंगे, उनको भी हार फूल करेंगे, और ये बहुत अच्छी चीज़ है। और इसी तरीके से इश्यूज़ को उठाना चाहिए और इस पर सॉर्ट आउट होना चाहिए। जो लोग जो है मतलब इशू उठा रहे हैं उन लोगों के लिए क्या कहेंगे, जैसा कि क्रेडिट लेने की होड़ लगी हुई है, मिट्टी उन्होंने डलवाया कि मुमरा यूथ फाउंडेशन ने डलवाया कि भाई साहब की मेहनत है उसमें, मतलब आप देखिए, मैं इन सब चीज़ों को आखिरत के उसमें मिट्टी वहाँ आके गिरी हुई है, मैं वहाँ तक गया भी नहीं, मैं ना ये सब अच्छी चीज़ें नहीं है, कब्रिस्तान पे कितनी बात की जाए। मैं ये मान के चलता हूँ कि जो अच्छे काम हो सके उसे कर लेना चाहिए, मिल्लत का काम है, मिल्लत का काम मिल्लत के नौजवान को आगे आके करवाना चाहिए और करना चाहिए।